दिव्यांगजनों ने रोजगार व सरकारी लाभ नहीं मिलने पर दिया धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नौतन प्रखंड से है, जहां सभी पंचायत के दिव्यांगों ने प्रखंड परिसर में आज धरना दिया। इस संबंध में दिव्यांगजन समूह के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र यादव, सचिव जितेंद्र प्रसाद, सदस्य नाथू महतो समेत कई दिव्यांगों का कहना था कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बन चुका है, लेकिन पंचायतों में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें ना ही राशन कार्ड निर्गत की गई है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ दी गई है। अन्य भी सरकारी योजनाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। आखिर क्यों? इस बात को लेकर प्रखंड के सभी दिव्यांगजनों ने स्थानीय लाभ प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया, श्रम आयुक्त मुजफ्फरपुर, सहायक निदेशक दिव्यांगजन पश्चिमी चंपारण, जिलाधिकारी बेतिया पश्चिमी चंपारण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा समेत अन्य वरीय अधिकारियों को भी लिखित सूचना दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अपने इन्हीं सभी मांगों को लेकर सभी दिव्यांगों ने धरना दिया। वहीं मौके पर जितेंद्र प्रसाद, अमर कुमार, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार, सत्येंद्र तिवारी, हरेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र शाह, सुनील कुमार, माधुरी कुमारी, पूनम कुमारी, नाजनू खातून आदि सभी दिव्यांगजन मौजूद रहे। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। क्या दिक्कत है? धरना का मुख्य कारण क्या है? धरना का मुख्य कारण यही है जो हम लोग का पीओ साहब फरवरी महीने से आश्वासन देते आ रहे थे, अभी तक किसी दिव्यांगजनों का, मुसमात लोग का अभी तक रोजगार नहीं मिला है, जिसके चलते हम लोग हार की हम लोग धरना के लिए फैसला किया और धरना पर आ जाए। 19/9/2022 को धरना दे रहे हैं लोग। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे लोग। क्या मैंने आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं जो हम लोग का दिव्यांगजनों को ले सहायता दे और रोजगार दे, जिससे हम लोग का रोटी रोटी चले और हम लोग का भी मान लीजिए इसमें मान सम्मान रहे और हम लोग अपना जिंदगी सुख शांति से जिए, यही सरकार से मांग है मेरा। आपका परिचय? मेरा परिचय है प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र यादव और जिला का DPO, हम दिव्यांग संघ का अध्यक्ष हूँ और हम सभी आदमी को सहयोग और सहायता जहाँ तक होता है हम करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग हम लोग 6 महीना से कागज बनवाए हुए हैं मनरेगा वाला, हम लोग का रोजगार नहीं दे रहे हैं। दूसरे का बात, ये लोग हम लोग ब्लॉक में रहने का भी अस्थायी जगह कोई दे नहीं है। अच्छा। हम लोग अपना यहाँ पर कोई रूम बने या मिले, हम लोग यहाँ पर रहें। दूसरे का बात, जो आवास भी है हम लोग का समय से नहीं मिल रहा है, आना ही राशन कार्ड बना। तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी से यही कहना चाहते हैं जो हम लोग का मांग जो है वो हम लोग का पूरा होके, अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर अपना क्लियर है। आपका परिचय? हमारा परिचय है गहरी कोठी का अध्यक्ष हूँ, नथु प्रसाद। PO साहब हम लोग को रोजगार देने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। मेरा नाम सुनील कुमार महतो है, मैं बैकुंठवा पंचायत का अध्यक्ष हूँ। क्यों बैठे हैं, क्या दिक्कत है? धरना पे आए हैं कि हम लोगों को जॉब मिले, जॉब कार्ड बना, जॉब मिलेगा। पढ़ लिख के ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं, अभी तक काम नहीं मिला। कितना सारा पढ़ाई किए, BA किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन फाइनल सब कर लिए, अभी तक कोई काम नहीं मिला है। कम से कम जीने खाने के लिए इतना साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे? अब सरकार से क्या कहना चाहती हो? सरकार से कहना चाहती हूँ कम से कम हम लोग को जॉब दे दे, ताकि हम लोग मतलब जॉब के सहारे आगे बढ़ सके और जो हमारे भाई बहन है यहाँ पे आए हैं उन लोगों को भी सहयोग दे सके। इन लोगों का जॉब कार्ड बना है तो कम से कम जॉब कार्ड बना है तो जॉब देना चाहिए। परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम नाजरूम खातून हुआ, घर गहरी कोठी। क्या दिक्कत है? PO साहब रोज बुलाते हैं 6 महीना दिन तक कि आ जाइए रोजगार देंगे, हम लोग का रोजगार नहीं दे रहा है। हम लोग के बच्चा भी छोट छोट है, रोज आते हैं, रोज जाते हैं यहाँ से और उसको बाद रोजगार दे रही नहीं है। आज भी हम बच्चा छोड़ कर आए हैं, सब लोग विद्या बच्चे जितना भी सज्ञान है मुसमात भी है, किसी का खेत में अगर बनिहारी करे जाएगा तो किसी कराएगा नहीं कराएगा, तो हम लोग क्या करेगा? तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमको मनरेगा में रोजी दे और उसको बाद हमको इंदिरा आवास दे, राशन भी दे और शौचालय भी दे, जो हम मांग करते हैं पेंशन भी दे और उसको बढ़ाना चाहिए। आपका नाम? अगर देंगे
तो हम सभी बच्चों सभी कोई यहाँ पर 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक रहकर हम अपना लगन जब तक नहीं हमारा समस्या दूर करेंगे तब तक हम यही रहेंगे। अब भूखे प्यास अगर मर जाएंगे नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी दक्षिणी तेलुआ ब्रह्मटोला। बहुत दिन से आश्वासन मिल रहा था कि काम मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं मिला है। पंचायत में अधूरा काम मिला है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग थाना पे पड़े। क्या क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग के साथ बीओ साहब जो है, चाहे रोजगार है चाहे वार्ड है, कि हम लोग के आश्वासन पर नहीं दौड़ा रहे हैं, काम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ सहूलियत से और शांति से हम लोग को रोजगार दिया जाए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जितेंद्र तिवारी। मनरेगा जो कार्ड मांग रहे हैं लोग, इनका मांगना एकदम जायज है। सरकार को पैसे को पदाधिकारी द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये जो गरीब मजदूर क्लास के लोग हैं, विकलांग भी है, मगर इनका हक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम अपने पैसे लगाकर वृक्षरोपण का कार्य कराए अपने वार्ड में, मगर वहाँ पे काम करा पानी और रख रखाव के लिए, मतलब विकलांगों का आधार कार्ड और पासबुक लेकर उनका जॉब कार्ड बनवा दिए, मगर उनको पीओ साहब और रोजगार सेवक जो सुबोध जी हैं उनको अपील करते रहे कि इसका डिमांड में लगा दीजिए हाजिरी, मगर डिमांड में हाजिरी लगाई नहीं जाती है। और बिल्कुल मनरेगा द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है, जो लोग काम नहीं किए कर रहे हैं उनका भी नाम मतलब चलाया जा रहा है। मगर क्या, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, गरीबों का राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड का तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए सभी महिलाएं विकलांग संघ के जो मीटिंग धरना कर रहे हैं लोग, इनका समस्या का सुना जाए, यहाँ के पदाधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं वो भी अपना ठीक तरह से ड्यूटी को निभाए, नहीं तो इसके लिए हम भी यहाँ पे बैठेंगे। आपका परिचय? हमारा परिचय पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड से आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव मुस्लिम आलम उर्फ अर्जुन जी।